गर्मी से निजात पाने के लिए आजकल देसी फ्रिज की मांग बढ़ने लगी है, जिसको लेकर एक से बढ़कर एक देसी फ्रिज मार्केट में बिक रही है। उस देसी फ्रिज को हम सुराही के नाम से भी जानते हैं, जिसकी खरीदारी के लिए ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। आखिरकार इस देसी फ्रिज से कैसे मिलेगी लोगों को गर्मी से निजात, इस पर हम दिखाएंगे एटीएन लाइव संवाददाता सरफराज आलम के साथ स्पेशल रिपोर्ट। गर्मियों का मौसम आते ही लोगों में ठंडे पानी पीने की चाहत अक्सर बढ़ जाती है, और आज तक आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज पे कैसे लोग इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज में ठंडा पानी रखते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे देसी फ्रिज की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे आए हुए हैं, देसी फ्रिज की बात कर रहे हैं। ये देसी फ्रिज जो आज सदियों से चलते हुए आ रहा है, जैसा कि इस समय हम सिवान के बबुनिया मोड़ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर गर्मी आते ही देसी फ्रिज बनाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। काफ़ी डिजाइन में तरह तरह के यहाँ पे फ्रिज बनाए जा रहे हैं, देसी फ्रिज मिट्टी का, जो कि काफ़ी प्रचलित हैं। हमारे साथ यहाँ पे यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे मैं बात करना चाहूँगा। आप बताएं कि कैसे आप लोग सुराही का किस तरह से निर्माण कर रहे हैं? अब मुझे कहिए, माटी भी तो तबाह हो गया, माटी भी बंद हो गया, अब बर्तन भी फ्रिज जब निकल गया कुली कुली तो माटी के बर्तन का कौन पूछेगा, यही तो है महंगाई। पहले के स्तर में अभी कैसा मतलब देखा जा रहा है, लोगों में चाहत किस तरह से बढ़ रही है इस फ्रिज को लेके? पहले से भी बेहतर हो गया है, माटी के बर्तन में कौन है नहीं लाभ नहीं, पहले तो ठीक होता, ये बड़ी तो माटी कोई नहीं मिल रहा है, कोई कहाँ से बनाएगा कहाँ से लाएगा, यही तो है। जैसा कि आप देख सकते हैं लोगों में चाहत है आज भी इस मिट्टी के फ्रिज को लेके, लेकिन आज महंगाई को बढ़ते हुए, इतना महंगाई को देखते हुए आज ये लोग भी फ्रिज को बनाने में उतना सक्षम नहीं है पहले जितना बना पाते थे, क्योंकि आज इनसे बात करने पर पता चल रहा है कि मिट्टी लेने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, मिट्टी भी आज नहीं मिल पा रहा है और महंगाई भी काफ़ी बढ़ गया है। इस कारण से ये थोड़ा सा मतलब अपने काम में थोड़ा सा कमी किए हुए हैं, लेकिन इस पर चाहिए कि थोड़ा सा लोग कोऑपरेट हो, लोग देसी फ्रिज की तरफ अपना रुझान करें, जिससे इनको भी थोड़ा सहायता मिल सके और ये भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को और अच्छे तरीके से करें। इसमें लोगों का काफ़ी सराहना का ज़रूरत है, लोग आएंगे देसी फ्रिज की खरीदारी करेंगे तब जाके कहीं ना कहीं इनका भी मनोबल बढ़ेगा, और ये भी कोशिश करेंगे कि हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे खूबसूरत डिज़ाइन बनाएं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग लोकल लोग मौजूद हैं जो मार्केट करने आए खरीदारी, हम इनसे जानना चाहेंगे। आप बताएं, अभी जो ये मिट्टी का फ्रिज आप खरीदने यहाँ पे आए हैं, ये आप हमेशा यूज करते हैं या फर्स्ट टाइम आए हुए हैं? हम तो फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, इस बार फर्स्ट टाइम आए। कैसा क्या सोचकर आपने मिट्टी का फ्रिज खरीदने का मन बनाया? इसमें जो होता है ना, पानी जो होता है बहुत ठंडा रहता है, फ्रिज से भी अच्छा रहता है, फ्रिज में ज़्यादा ठंडा हो जाता है, इसमें मन लेवल में रहता है ठंडा, और पानी पीने में स्वादिष्ट रहता है। जैसा कि आपने देखा कि इनके अनुसार सुराही का पानी बिल्कुल ठंडा रहता है, बिल्कुल फ्रिज की तरह, और फ्रिज में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक आपको लाइट की जरूरत पड़ती है, बिना लाइट का आप देख सकते हैं ये फ्रिज बिल्कुल फ्रिज की तरह, ये देसी फ्रिज एकदम फ्रिज की तरह आपको ठंडा पानी उपलब्ध होगा इस फ्रिज से। अभी जब हम इनसे बात कर रहे थे दुकानदार से, तो इन्होंने बताया कि काफ़ी मतलब क्या है कि लोग अब कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, लोगों में इच्छा नहीं है, इसके कारण से काफ़ी सेल गिर गया है, मिट्टी भी मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इस हिसाब से इनका मनोबल गिरा हुआ है। तो अब देखना ये होगा कि लोगों में किस तरह से जागरूकता बढ़ रही है। वैसे तो ये लोग अपने दुकान सजाए हुए हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से ये लोगों को आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ मैं सरफराज आलम, एटीएन लाइव सिवान।